ले हिम्मत के लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौलाद के मंजिले चूमे, कहे दिल उससे ना बहकूं मैं, चल थाम बड़े नाम हौसले हिम्मत के लेकर लो ये छाते जाएंगे, दिल के मंसूबे फौलाद के मंजिले चूमे, कहे दिल उससे ना बहकूं मैं। चलना कुत्ता जाग जाएगा। अबे कुत्ता जाग गया तो कोई बात नहीं, कुत्ते वाली नहीं जागनी चाहिए। चलो चलो अबे आवाज बंद कर। अरे वो यही है, फिर घड़े में पांव घुसा दिया। मैडम जाग गई यार, चलो 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 वहीं पे रुक जाओ। कितनी बार कहा है कि लेट नाइट मत आया करो, सबको डिस्टर्ब होता है। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आप हम लोगों से घर खाली करवाएंगी, यही फैसला है ना? लेकिन उससे पहले हमें आपसे कुछ हकीकत बयान करनी है। क्या है? गुरु नहीं नहीं, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। सच बताने का वक्त आ गया है। जिस तरह मैडम हमारे सामने कुछ भी नहीं छुपाती, वैसे हम भी उनके सामने कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मुझे शर्म आ रही है। आपको सिर्फ इतना पता है कि हम देर से आ रहे हैं, जबकि हर बार आपके फिल्म देखने की वजह से ही हम देर से आते हैं। ये आपको कैसे पता नहीं चला मैडम? कैसे पता नहीं चला? आज भी हमने बड़ी मुश्किल से टिकट लेकर, आपने आदिवासी का जो रोल किया था ना, जंगली काम देवी थी ना, वो फिल्म देख के आ रहा है। फाड़ दिया मैडम, आपने फाड़ दिया। अक्षय कुमार की खतरों के खिलाड़ी से भी ज्यादा आपकी फिल्म बिस्तर के खिलाड़ी सुपर डुपर हिट है, यह खबर स्क्रीन में छपी है। नहीं मैडम, आप इस तरह शर्माइए मत। किसी चैनल वालों ने देख लिया तो उसे शूट करके मनोरंजन की दुनिया में पहली बार शकीला शर्मा रही है बोल के दिखाएंगे। ठीक है ठीक है, आज के बाद जब भी लेट आओगे तो मेरी पिक्चर देख के ही आओगे। ओके, गुड नाइट। कुछ ना कहो। आज तेरी बारी है नाश्ता तैयार किया कि नहीं? ऐसा क्या आज ये इतना अकड़ रहा है, आखिर बात क्या है? सुबह जब तुम जॉगिंग करने गए थे ना, तब ये यहाँ बैठा रोप झाड़ रहा था, तभी एक बकरा आकर खुद ब खुद फंस गया। कौन बकरा? जानते हो अपनी फिल्म के लिए वो यहाँ पर शकीला की डेट मांगने आया था, अपॉइंटमेंट दिलाने का वादा करके इसने उसे फंस लिया। ए, भांडा फोड़ के मेरा खेल मत बिगाड़ यार, 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा उसे काट काट कर खा सकते हैं। चुपचाप रहो वरना बकरा डर जाएगा। जय श्री कृष्ण, थोड़ा देर हो गई भाई। हाँ नमस्ते। ए, डायरेक्टर साहब कितना बोझ ढो रहे हो, इसे हल्का तो करो। लाओ, लाओ, गुरु, मैंने बताया था ना, मीट द ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर शांति शाह, बहुत बड़े डायरेक्टर बने, ऑस्कर जीते, इसीलिए हमारे पास चांस मांगने के लिए आए हैं। मैं मैडम से बात कर रहा था ना। कब? अभी अभी, इन्हीं की सिफारिश कर रहा था। तुमने मुझे याद रखा, अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ, लेकिन लंच में क्या क्या लेके आना ये तुमने याद रखा है ना? याद रखा ना? डायरेक्टर आइए, डायरेक्टर साहब। हाँ बोलो गुरु भाई। कहानी सब तैयार कर दी? हज्जी तक आई नहीं, ऐसी बहुत कहानी है मेरे पास। ओहो, मुकेश भाई ने बोला कि मैडम से मिलाएंगे, मैं उसी के इंतजार में हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा टाइटल क्या सोचा? ये क्या? कामनागिन कामाग्नि पार्ट 2, जंगल में मोर नाचा, घोड़ा तेरा घोड़ी मेरी, बाहों में एक सुंदरी। हाँ बस 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 बस, शकी मैडम को कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं, एकदम मसालेदार सीन सुनाओ। 60 सीन है गुरु भाई। अरे वाह, एक फिल्म में 10 सीन भी रखोगे तो 6 फिल्में डब करके दिल्ली यूपी पंजाब में तहलका मचा सकते हो। नाश्ता रेडी है गुरु? कैंटीन। अपनी फिल्म में खुद ही हीरो बनना। रेनू बात सुन, चुप हो जा, आज तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा, सुन रही है तू? नहीं जाऊंगी। क्या बात है, स्कूल बस नहीं आई? तैयार होने में देर कर दी गुरु, वैन निकल गई। तो क्या हुआ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये बात सुनिया, चल बैठ। बाय बाय।
सोचा आज नागा करूंगी, लेकिन तुमने चौपट कर दिया गुरुजी। क्या बोल रही हो? आज स्कूल में कविता कंपटीशन है और देशभक्ति पर चार लाइन में कविता सुनानी है और मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हुई। बस इतनी सी बात है, फिक्र क्यों करती हो? बहुत बढ़िया कविता मैं दे दूंगा, उसे तू वहाँ पर सुना देना। सच में? सबके सामने मुझसे कॉमेडी तो नहीं कराओगे ना? नहीं यार। Okay. कविता बोलो। कविता मैं क्या सुनाऊंगा? अरे ये क्या, कविता मुक्काला, ये किसने लिखा है? ये हिंदी मिस ने। अच्छा हिंदी मिस ने, अब बात समझ में आई। इन लोगों को कविता सुनाने के लिए तू इतना डर रही थी? कुछ भी बक देती यार। एक है हम तुम, बापू कहे सुन, मन के सपने बुन, चाय संग खा के बन। थैंक्स, इतना बस है गुरुजी, मैं ये सुना के सबको हिला दूंगी। बाय। एक है हम तुम, बापू कहे सुन, रेनू, मन रेनू, के सपने बुन, चाय संग खा के बन। जब कविता देनी थी तो कोई अच्छी कविता नहीं दे सकते थे? मातृभाषा हिंदी है, वो बच्चों को ढंग से सिखानी चाहिए। उस स्कूल में ही गलत हिंदी लिखे रखी है, इसलिए मजाक में चार लाइन बोल दिया तो क्या हुआ? ए इधर ला। ले लो मोटा भाई, तमे भी ले लो, रात में सुखा वानु छे। ए इसे कहो के मार्केट जाके बढ़िया सी मछली लाए और मस्त फ्राई करके रखे, चल जा। रास्ते में वाइन शॉप में जाके चार जिया ले लेते हैं। तू भी अपने क्वार्टर ले लेना। आज देर क्यों होगी रीनू, और ये सब क्या है? ये बैग पकड़ो। इतनी देर क्यों लगा दी? ये पकड़ो। थोड़ा झुको। ये सब किस लिए? सक्सेस, मैंने तुम्हारी कविता सुनाई, मुझे फर्स्ट प्राइज में ये मिला। कविता कंपटीशन में तुम अकेली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने समझा इसको डंडा पड़ गया होगा, लेकिन ये तो इनाम लेके आई है। जैसे ही मैंने तुम्हारी कविता सुनाई, ऑडिटोरियम में कितनी तालियां बजी पता? शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक है हम तुम ये पंक्ति कहकर ये देशीय एकता को बढ़ावा दे रही है। बापू कहे सुन कहकर ये गांधीगिरी और अहिंसा पर जोर दे रही है। मन के सपने बुन, चाय संखा के बन, इन पंक्तियों से ये क्या कहना चाहती है? क्या किसे पता? ये यही कहना चाहती है कि जैसे अब्दुल कलाम ने कहा है, भले ही तुम भूखे हो फिर भी तुम्हें सपना देखना चाहिए ताकि उसे हासिल कर सको। बाल कवियत्री का खिताब दिया मुझे, हिंदी में मैं खुद कविता लिख के उसे तुम्हारी शादी में सबके सामने सुनाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है मैडम। जल्दी ही एक अच्छी लड़की ढूंढो, ठीक है? बाय। मैं बस निकल रही हूँ श्वेता, तो मैं 10 मिनट में पिकअप कर लूंगी। बेसन नगर के गणेश जी के मंदिर ना? इस मंदिर को ऐसा वैसा मत समझना, इस मंदिर में पूजा करके 1998 में बैंकॉक में हुई एथलेटिक मीट में मैंने रनिंग टूर का खिताब जीत कर उसी रफ्तार से इंडिया पहुंच गया। क्यों, फ्लाइट के लिए पैसे नहीं थे? वो बंदर कद्दू, कल होने वाले मुकाबले में जीत कर इस गुरु का नाम ऊंचा करना होगा। गुरु भगवान से प्रार्थना करके अपना स्टैमिना बढ़ाओ। जी गुरुजी। विजय जी। अबे बस करना गंजे। किसने कहा? तूने कहा? रास्ता दो। पंडित गण पधार रहे हैं, रास्ता दो। पंडित गण पधार रहे कुछ? हैं, रास्ता दो। मुझे बहुत दिनों से शक है। वेरी गुड, शागिर्दों के शक को दूर करना उस्ताद का फर्ज बनता है। किस में शक है, 100 मीटर में या 100 में? पंडित गण पधार रहे हैं, रास्ता दो। पंडित गण पधार रहे हैं, रास्ता दो। पंडित जी जरा सुनिए तो। पंडित गण पधार। पंडित जी मेरे मन में 2 शंकाएं हैं। पूछिए। पंडित गण पढ़ा रहे हैं ये बालक बोल रहा है। सोचा था 300-400 लोग आएंगे, परंतु आप तो इकलौते पढ़ा रहे हैं। वास्तव में पंडित जी आ रहे हैं कहना चाहिए ना। कंटिन्यू। दूसरी शंका, अहिंसा का पालन करने वालों को क्या कहते हैं? अहिंसावादी। आतंक फैलाने वालों को क्या कहते हैं? आतंकवादी। सामाजिक कल्याण चाहने वालों को क्या कहते हैं? समाजवादी। बस तो मंदिर में मंत्र पढ़ने वाले आपको मंत्रवादी क्यों नहीं कह सकते?
सुनने में आया कि हजारों साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मंदिर बनाया था। इसकी वास्तुकला से ये पता चलता है कि हमारे कुछ कितना